आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था फ्लूइड डायनेमिक्स। आज हम स्टडी करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उसको सीखेंगे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट तक किस तरह से पहुँचते हैं, हम क्यों टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपने याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाए तो उसका नाम दिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। इससे पहले हम डिस्कस ही कर लेते हैं, अगर एक आदमी है वो बहुत हाइट से जंप करता है, बहुत हाइट से जंप करने के बाद क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और जब आके अर्थ के साथ स्ट्राइक करता है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या हर्ट हो जाती है। बट अगर हम बात करें पैराट्रूपर्स की, एक ऐसा आदमी जिसने पैराशूट बांधा हुआ है, अगर वो उतनी ही हाइट से जंप करके आ रहा है तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो है वो डैमेज नहीं होगी। उसकी बॉडी डैमेज नहीं होगी, किस वजह से नहीं होगी, हम टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, देन हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों उसकी बॉडी डैमेज नहीं हुई। अब देखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। एक ऑब्जेक्ट है, पहले रेस्ट पे था, आपने उसको छोड़ा, वो नीचे आ रहा है, पहले उसकी स्पीड 0 थी, फिर 10 मीटर फी सेकंड हो गई, फिर 18 मीटर फी सेकंड हो गई, देन 24 मीटर पर सेकंड हो गई, देन 28 मीटर पर सेकंड, देन 30 मीटर पर सेकंड एंड देन 30 मीटर पर सेकंड, मीन्स कि कॉन्स्टेंट हो गई। बाद में उसकी स्पीड एंड पिच चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। अगर हम एक्सेलरेशन को देखना चाहें कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, एक्सेलरेशन देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप यहाँ का एक्सेलरेशन देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो स्पीड क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल करके नीचे आ रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है या कॉन्स्टेंट हो जाती है। यूजुअली हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है कि ऑब्जेक्ट को फॉल किया, गिरा नीचे ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड क्या हो गई, किसी पॉइंट पर आकर कॉन्स्टेंट हो गई। अब हम देखते हैं कि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट क्यों हुई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इट मीन्स अगर हम फ्लूइड की बात करें, पहले जब हम बात कर रहे थे हमने फ्लूइड की प्रेजेंस को निग्लेक्ट किया हुआ था। अगर अब हम बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हवा में ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें पता है एयर जो है वो भी फ्लूइड है। तो आपको पता है कि फ्लूइड क्या करती है, ड्रैग फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से मोशन क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले इसकी स्पीड 0 से 10 चेंज कितना आया, 10 का। देन इसकी स्पीड 10 से 18 चेंज कितना आया, 8 मीटर पर सेकंड का। देन इसकी स्पीड में चेंज देखें 6 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। देन इसकी स्पीड में चेंज देखें तो 4 मीटर पर सेकंड का, मतलब उसकी स्पीड अगरचे इंक्रीज हो रही है बट जिस इंटरवल पर इंक्रीज हो रही है वो इंटरवल क्या है, कम है। पहले चेंज था 10 का, देन चेंज 8 का हो गया, देन चेंज कितने का हो गया, 6 का हो गया। तो जो सीखना यह है हमने कि ऑब्जेक्ट को अगर हाइट से गिराया जाता है तो किसी एक पॉइंट पे इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट क्यों हो जाती है, तो इसके लिए हम ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट माइंड में लाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रहा है, आपको पता है नीचे गिरते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, किसकी वजह से इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम फ्लूइड की बात करें कि ये ऑब्जेक्ट जो है या जो कोई भी चीज़ है वो फ्लूइड में नीचे जा रही है, एयर को कंसिडर करें तो एयर भी हमारे पास एक फ्लूइड है, अगर फ्लूइड में वो चीज़ नीचे जा रही है तो इट मीन्स उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। और आपको पता है ड्रैग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है जो कि मोशन को अपोज करती है। तो ड्रैग फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इट मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ड्रैग फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो अब देखें इस
इसका मतलब है कि अगर हम फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज तो होती है, अगर से इंक्रीज होती है, बट जिस इंटरवल में इंक्रीज हो रही है वो इंटरवल कम है। पहले 10 का चेंज था, अब जो चेंज आ रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इट मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंट किस वजह से हुई है, उस पर ड्रैग फोर्स ने एक्ट किया और नीचे जमीन की ग्रेविटी ने उसको नीचे की तरफ पुल किया, ड्रैग फोर्स ने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया। तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। स्पीड क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। अब आपने ये नहीं समझना कि ऑब्जेक्ट जो है वो उधर स्टॉप कर जाएगा, वो रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। वो मोशन जिस स्पीड से पहले आ रहा था उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर उसने कॉन्स्टेंट स्पीड अटेन कर लेनी है, उसी कॉन्स्टेंट स्पीड से उसने नीचे आना है। लेट्स सपोज अगर उसके पास 30 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो उसी 30 मीटर पर सेकंड के साथ नीचे आएगा। तो इसी स्पीड को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्लूइड। अगर किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसने जब मैक्सिमम और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेनी है तो उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। अब आप देखिए मैंने उसको मैक्सिमम क्यों बोला है, क्योंकि वेलोसिटी पहले 0, 10, 18, 24, 28 से होते होते 30 तक पहुंची है। 30 एक मैक्सिमम क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, और इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। अब हम अगर बात करें पैराट्रूपर की, तो पैराट्रूपर जो हैं जब वो नीचे आते हैं उनके साथ पैराशूट लगा हुआ होता है, तो एक सर्टन डिस्टेंस कवर करने के बाद उन पे एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाती है। तो पैराट्रूपर की जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड की वजह से जब वो अर्थ के साथ आके स्ट्राइक करता है तो उसकी बॉडी जो है वो डैमेज नहीं होती। अब हम डिराइव करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन किस तरह से आता है। इसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन वही जो मैंने आपको बता दी कि व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट। अगर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फ्लूइड में मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की जानब गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। उस पर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स जो है उसके वेट के इक्वल हो जाएगी। तो उस पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का नाम देंगे और हम कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी है, और वही वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। अब हमने इसी टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, इसकी डेरिवेशन की तरफ पढ़ना है। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ड्रैग फोर्स मतलब एफ डी किसके बराबर है, वेट। किसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट। अगर हम बात करें रेन ड्रॉप है, कोई भी चीज़ जो स्फेरिकल होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने स्टोक्स लॉ अप्लाई करना है। आपको पता है ड्रैग फोर्स के लिए कौन सा लॉ अप्लाई किया जाता है, स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ के लिए कंडीशन है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो स्फेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। आप कंसिडर करें कि अगर कोई रेन ड्रॉप है वो ऊपर से नीचे की जानब गिर रहा है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स और उसका वेट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको पता है कि वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। एफ डी की वैल्यू क्या होती है, 6πr ईटा V। और साथ में मैंने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या लगा दिया, वी टी। अब एफ डी इसके बराबर कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। क्योंकि हमने स्टोक्स लॉ पहले पढ़ लिया है कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हम फोर्स ड्रैग फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितनी ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है। तो वो क्या होती है, 6πr ईटा V T। वेट क्या हो गया, एम जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, वी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी टी को आप इधर ही रखें, उसके साथ जो सारा एक्सप्रेशन है आप उसको जाकर दूसरे साइड पर डिवाइड कर दें। एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एम जी डिवाइडेड बाई 6πr ईटा, और वी टी की वैल्यू आ गई। आपने उसके इक्वेशन नंबर एक का नाम दे दिया। इसके बाद इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आपको पता है एम क्या है, मैस है। किसका मैस है, रेन ड्रॉप का मैस है। तो आपको पता है कि रो किसके बराबर होता है, m/v। तो m किसके बराबर आ जाएगा, ρv। अब रो तो हम एज इट इज रखेंगे, बट वी की जगह पे वॉल्यूम पुट करेंगे। किसका वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। कैसा ऑब्जेक्ट, रेन ड्रॉप, जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हमने वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट कर दिया, 4/3πr³। वॉल्यूम की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 4/3πr³। रो को एज इट इज लिख दिया।
एम की वैल्यू क्या आती है, रो वी, और वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4/3 πr³, मतलब जो हमने ड्रॉपलेट लिया है उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r। तो ये हमने एम की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन ए में। एम की वैल्यू को आपने सब्सिट्यूट करना है, आपने रो वी लिया एम को, वी की जगह पे 4/3 πr³ पुट किया, और उसके आप अगेन जाके इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो आप देखेंगे इक्वेशन ए क्या है, एम डॉट जी ओवर 6πr𝜷v। आपने एम की वैल्यू पुट करनी है, एम की वैल्यू क्या आई है, 4/3 πr³ रो, 4/3 πr³ रो, और जी को एज इट इज लिख दिया 6πr𝜷, आपने एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, वी टी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आपका आर जो है, आर एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, रो एज इट इज आ जाएगा, जी एज इट इज आ जाएगा, और अगर आप टू के साथ कैंसिल करें तो टू थ्री आर सिक्स एंड टू टू आर फोर, टू रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री आर नाइन, एंड साथ में क्या आ जाएगा, ईटा। आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या बन गया, टू रो जी आर स्क्वायर बाय 9 ईटा। ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अगर आप रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, सॉरी वेलोसिटी का किसके साथ रिलेशन है, रेडियस के साथ, क्योंकि यहाँ पे टू भी कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, नाइन भी कॉन्स्टेंट है, और विस्कोसिटी ईटा भी कॉन्स्टेंट है। तो वी टी का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, आर स्क्वायर के साथ। आर की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो वी की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। ये था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आपने याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है।